इजराइल की दोस्ती पूरी दुनिया में जग जाहिर है। डंके की चोट पर इजराइल भारत को अपना भरोसेमंद साथी बताता रहा है और इसी भरोसे की बुनियाद पर इजराइल ने भारत से 1,00,000 स्पेशल जवानों की मांग की है। इसकी पूरी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी खूनी जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। बता दें कि इजराइल पर हमास के हमले में 1,200 इजरायली नागरिकों के मारे जाने के बाद इजराइल ने हमले के खिलाफ जबरदस्त जंग छेड़ रखी है। इजराइल की बमबारी में गाजा पट्टी में करीब 11,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमास की ओर से इजराइल पर हमले के बाद नेतन्याहू सरकार ने हजारों की तादाद में काम करने वाले फिलिस्तीनी लोगों का वर्क परमिट खत्म कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हमास के हमले के बाद जांच में ये खुलासा हुआ था कि फिलिस्तीनी कंस्ट्रक्शन मजदूरों में से कई लोगों ने हमले के दौरान इजराइल के अंदर काफी लूटपाट की। ये जानकारी सामने आने के बाद अब इजराइल चाहता है कि इन फिलिस्तीनी मजदूरों की जगह भारत से 1,00,000 श्रमिकों को बुलाया जाए। हालांकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। ऐसा अनुमान है कि इजराइल पर हमास के हमले से पहले करीब 90,000 फिलिस्तीनी इजराइल में हमले से पहले अलग अलग कंस्ट्रक्शन क्षेत्रों में काम कर रहे थे। अब इन कामगारों का वर्क परमिट रद्द होने के बाद इजरायली बिल्डर्स एसोसिएशन ने अपनी सरकार से भारत से 1,00,000 श्रमिकों की मांग की है। जानकारी के मुताबिक इजराइल में करीब 20,000 भारतीय पहले से ही काम कर रहे हैं। इनमें से कई भारतीय इजरायली बुजुर्गों की देखभाल करते हैं। बता दें कि इजराइल की इस मांग का भारतीय ट्रेड यूनियन विरोध कर रही है। 10 ट्रेड यूनियनों ने भारत सरकार से इजराइल के बिल्डर्स एसोसिएशन की ओर से किए गए इस अनुरोध को न मानने की सलाह दी। वहीं ब्रिटिश मानवाधिकार समूह फेयर स्क्वायर ने भी भारत सरकार से श्रमिकों को इजराइल न भेजने का आग्रह किया है। इस मानवाधिकार समूह ने यह भी कहा है कि ये पूरी तरह से गलत होगा और भारत को इस हिंसा का लाभ उठाने से बचना चाहिए। वहीं इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो ये $70 बिलियन से भी ज्यादा का है। बता दें कि इसी साल मई के महीने में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने बातचीत के दौरान एक समझौते पर साइन किए थे। इस समझौते के तहत करीब 34,000 भारतीय मजदूर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में करीब 8,000 भारतीय मजदूरों की नर्सिंग के क्षेत्र में भेजने की संभावना जताई गई थी। हाल ही में इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हेम फ्लिंगन ने कहा था कि इस संबंध में भारत के साथ बातचीत जारी है। फिलहाल इसे मंजूरी देने के लिए इजरायली सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि इस सेक्टर में काम करने के लिए भारत के करीब 50,000 से 1,00,000 तक के श्रमिकों को शामिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।